हेलो दोस्तों, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस 500 वैकेंसीज फॉर रिक्रूटिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिसर्स इन स्केल 2 एंड स्केल 3 प्रोजेक्ट फॉर 2022 एंड 23। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टोटल 500 वैकेंसी बताई है और फॉर जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 2-3 के लिए। और जो भी विलिंग कैंडिडेट्स है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं सब प्रोसीजर बताऊंगी कि स्केल 2 के लिए कितना वैकेंसी और स्केल 3 के लिए कितना वैकेंसीज है। चलो दोस्तों, प्लीज बरकरार रहिए पूरा वीडियो एंड होने तक। मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे फिल करना है और कहाँ का कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जनरलिस्ट ऑफिसर एमएमजी स्केल 2, इसके लिए एज का जो लिमिट है वो है 25 to 35, 25 to 35। और वैकेंसी जो है वो जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 के लिए वो है 400 वैकेंसीज। और क्वालिफिकेशन वही बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 60 मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स एंड ईयर्स। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन कि कोई भी ग्रेजुएट चलेगा इसके लिए, लेकिन मिनिमम 60% एग्रीगेट उसको रहना चाहिए। जनरलिस्ट ऑफिसर एमएमजीएस स्केल 3, इसके लिए एज का लिमिटेशन जो है वो 25 to 38 है और वैकेंसी जो है वो सिर्फ 100 है। और यस, क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। ओके, सो ओवरऑल जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वैकेंसी है वो 500 वैकेंसीज है। तो उसके लिए स्केल 2 के लिए 400 है और स्केल 3 के लिए 100 है। और एज जो लिमिट है यहाँ पे 25 to 35 है स्केल 2 के लिए, और स्केल 3 के लिए जो है वो है 25 to 38। और क्वालिफिकेशन सेम दोनों के लिए ग्रेजुएट चाहिए और मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए। और यस, तो ये जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न है दोस्तों। एग्जामिनेशन में टोटल 4 कैटेगरीज है, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग एबिलिटी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है। 20 20 20 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चंस। और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक अलग ड्यूरेशन भी है, लाइक इंग्लिश के लिए सिर्फ 15 मिनट्स, क्वांट्स के लिए सिर्फ 15 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 15 मिनट्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 मिनट्स। और ओके, तो इसकी जो फी है वो जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है। एक्चुअली 1000 है, बट प्लस 180 जो है वो जीएसटी है। तो एससीएसटी के लिए 100 रुपीज़ है, लेकिन 18 रुपीज़ जो है वो जीएसटी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वुमेन के लिए फी एग्जेम्पशन है। तो वुमेन लोग कोई भी फी नहीं भरना है, इट्स नॉट नेसेसरी टू पे। एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी फी एग्जेम्पशन है। और मैं बता दूं कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रिक्रूटमेंट है वो 5 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हुआ है फॉर्म भरना, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी है, 22 फरवरी। और एग्जाम जो है वो नेक्स्ट मंथ में होगा, 12 मार्च को। और अगर एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया तो इंटरव्यू, नहीं तो जीडी होगा, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली इंटरव्यू होगा। तो प्लीज अगर आपको सही में बहुत ज्यादा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जॉब चाहिए तो आपने ये रिक्रूटमेंट में आपने अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम जो है वो मेंस प्रीलियम्स ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रीलियम। अगर आपने वो एक एग्जाम क्लियर किए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भेजूंगी, आपको डिटेल्ड वर्जन पढ़ना है तो आपने वहां से पढ़ लीजिए। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।